तो आइए आज हम एक नई रेसिपी बनाते हैं, वो है हैदराबादी ग्रीन ग्रेवी में ब्रोकली। पनीर नहीं डाल रहे हम, ब्रोकली डाल रहे हैं, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने दो प्याज ली हैं, उनके थोड़े मोटे मोटे स्लाइस काट लिए हैं। ये मैंने एक कप धनिया लिया है जिसको अच्छे से धोकर साफ करके रख लिया है उसके पत्तों को। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। 1 से 1.5 हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 इंच अदरक लिया है। किचन किंग है, नमक है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, बहुत कम हम यूज करेंगे। 1 बड़ा टमाटर है। 1 गुच्छी पालक को मैंने ऐसे ब्लांच कर लिया है। और ये है 1 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा है, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लौंग है। ऑयल लिया है हमने। और यहां मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ब्रोकली को हमने ब्लांच कर लिया है, कितना सुंदर कलर इसका लग रहा है। और अब हम इसको ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, तो टाइम ज्यादा ना लगे, आप इसको बॉइल वाटर में डाल के और इसको ब्लांच कर सकते हैं। ये 1.5 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने जीरा डाल के देखा है, ऑयल गर्म हो गया है। तो हम सबसे पहले तेज पत्ता डालेंगे, ये खड़े मसाले डाल देंगे, इसको हल्का सा गैस को सिम रखेंगे और इसको हल्का सा भूनेंगे। इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च और ये अदरक, इनको भी हम हल्का सा सौते करेंगे, भूनेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये कटा प्याज और इसको भी हल्का सा सौते करेंगे, भूनेंगे अच्छे से। देखिए हल्का पिंक हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें कटा टमाटर, इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है। साथ ही डाल देंगे हम इसमें ये धनिया और इसको सारा मिक्स करके भूनेंगे। ये देखिए अभी परफेक्ट जो है वो भून गया है। हम गैस को करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। इसको भी मैं मिक्सी में पीसकर एक पेस्ट बना रही हूं। ये देखिए पालक कितना अच्छा हो गया है। और मैं आपको यहां बताऊं कि मैंने इसमें ब्लांच करते हुए इसको कोई ठंडे पानी में नहीं डाला, केवल बॉइल वाटर में डालकर थोड़ी देर गैस को बंद कर दिया। ये जब पक गया निकाल लिया, बस 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है इसका कलर, ताकि ऐसा ही बना रहे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका ये कलर आया है। ये हमने प्याज और उसका ग्रेवी को पीस लिया है, उसमें से मैंने ये खड़े मसाले निकाल दिए हैं, क्योंकि खड़े मसाले बहुत बार मुंह में आते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप की ये ग्रेवी पिस गई है। तो आइए बनाते हैं, शुरू करते हैं। सेम पैन में हमने थोड़ा सा और ऑयल डाल लिया है, थोड़ा ऑयल बचा हुआ था। अब मैं दिखाऊं ये मसाले हैं, मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ली है, 1/4 ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम ये मसाले इसमें डाल देंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएं। इसी के साथ हम इसमें ये जो ग्रेवी हमने बनाई है वो डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये सारी ग्रेवी हम इसमें खाली कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खड़े मसालों की खुशबू इसमें समा गई है। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छे से हमने ये मिक्सी में से धोकर भी इसको साफ कर लिया है ताकि बिल्कुल भी हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट ना हो। ये देखिए भुनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छा कलर है।
अभी पहले हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हालांकि ये भुना हुआ है लेकिन मैं इसको पहले थोड़ा सा भूनूंगी, तब फिर पालक का पेस्ट डालूंगी। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये पालक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना परफेक्ट कलर है, देखिए आया ना सुंदर कलर, बहुत अच्छी ग्रेवी ये बनने वाली है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मसाला ये भुन गया है, अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये ब्लांच की हुई ब्रोकली, आप चाहें तो मटर डाल सकते हैं, आप चाहें तो गोभी डाल सकते हैं। ये देखिए हरी हरी सब्जी, और इसको अब हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। तो 2-3 मिनट हमें हो गए हैं, ये देखिए परफेक्ट कलर पक गया है अच्छे से। इस समय हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला और ये बटर, 1 टेबलस्पून बटर, और इसको हम करेंगे मिक्स और इसकी करते हैं प्लेटिंग। भाई जरूर ट्राई कीजिएगा आप, अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, और बनाते हैं और आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो आप मुझे जरूर मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए मुझे नहीं लगता आपने ब्रोकली इस तरह से खाई होगी, जरूर ये हेल्दी रेसिपी ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने इधर साइड में रख दिया है क्योंकि देखने में वो नहीं पता चल रहा कि ब्रोकली है क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि ये हमारी ब्रोकली की रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।